हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरिजिनल एजुकेशन। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, इंग्लिश में वीडियो है स्टूडेंट्स, जो पहले बच्चों से पूछे जा चुके हैं, जो पहले प्रीवियस एग्जाम्स हुए थे उनमें स्टूडेंट्स से पूछे जा चुके हैं। आपको पता होना चाहिए किस किस टाइप के क्वेश्चंस रीजनिंग में आए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, मैंने अपने इस चैनल पर रेलवे से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड किए हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोज़ नहीं चेक की तो प्लीज़ वो भी चेक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम में आने की काफ़ी हद तक संभावना है उन क्वेश्चन की। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चंस एंड आंसर प्रोवाइड करूंगी, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करूंगी। आपको डिकोडिंग डिकोडिंग अगर नहीं आती तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन एंड उसके ऑप्शंस बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हैप्पी इज रिटन एज IBQOZ, हाउ विल सोरो बी रिटर्न इन डैट कोड। ये क्वेश्चन आपका हाजीपुर में पूछा गया था स्टूडेंट्स। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मंकी इज रिटन एज XDJMNL, हाउ विल टाइगर बी रिटन इन डैट कोड। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, QDFHS। ये क्वेश्चन आपका गोरखपुर में पूछा गया था स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पॉलिश इज रिटन एज MLIFPE, हाउ विल डिग बी रिटन इन डैट कोड। ये क्वेश्चन आपका रांची में पूछा गया था स्टूडेंट्स। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, AFD। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैट इज रिटन एज DDY, हाउ विल बिग बी रिटन इन डैट कोड। ये क्वेश्चन आपका मुंबई में पूछा गया था स्टूडेंट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, CLL। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फाइव, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नंबर इज रिटन एज PXQGKY, हाउ विल सीरियल बी रिटन इन डैट कोड। आपका जवाब होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी चेन्नई में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, VHYNGS। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ACT इज रिटन एज BGZ, हाउ विल जेल be written in that code। ये क्वेश्चन भी आपका बिलासपुर में पूछा गया स्टूडेंट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, HIR। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेवन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज AYS इज रिटन एज BAT, हाउ विल BYS be written in that code। ये क्वेश्चन दिल्ली में पूछा गया है स्टूडेंट्स। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कैट, CAT। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर एट,
इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्वेश्चन इज रिटन एज एन एक्स बी वी क्यू एल एल क्यू हाउ विल रिप्लाई बी रिटन इन डैट कोड आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स रांची में पूछा गया है राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ओ एच एम ओ वी ओके स्टूडेंट्स आगे मैं आपको एनालॉजी प्रोवाइड करूंगी स्टूडेंट्स ये एनालॉजी भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछी गई है इसमें भी मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर प्रोवाइड करूंगी स्टूडेंट्स ओके फर्स्ट है आपका मेल्ट का रिलेशन लिक्विड के साथ फिर आपको फ्रिस्क का रिलेशन ढूंढना है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी हाजीपुर में पूछा गया है स्टूडेंट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सॉलिड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स फेयर का रिलेशन थ्रेट के साथ उसके बाद आपको एंगर का रिलेशन ढूंढना है ये क्वेश्चन आपका गोरखपुर में पूछा गया स्टूडेंट्स आपका जवाब राइट होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोवोकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका स्क्रैप का रिलेशन फुट के साथ उसके बाद आपको लीज का रिलेशन बताना है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका रांची में पूछा गया था राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टी क्वेश्चन नंबर फोर है आपका स्टूडेंट्स सेफ का रिलेशन आपको सिक्योर के साथ दिया गया स्टूडेंट्स उसके बाद आपको प्रोटेक्ट का रिलेशन ढूंढना है ये क्वेश्चन भी आपका मुंबई में पूछा गया था स्टूडेंट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी गार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स बर्थ का रिलेशन डेथ के साथ उसके बाद आपको स्टूडेंट्स इंक्रीज का रिलेशन ढूंढना है ये क्वेश्चन आपका चेन्नई में पूछा गया था राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स डॉग का रिलेशन बार्क के साथ देन आपको गोट का रिलेशन बताना है ओके स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका बिलासपुर में पूछा गया है राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ब्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स ड्रामा का रिलेशन स्टेज के साथ देन आपको टेनिस का रिलेशन बताना है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका दिल्ली में पूछा गया है राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एट फूड का रिलेशन आपको स्टमक के साथ दिया गया है स्टूडेंट्स देन आपको फ्यूल का रिलेशन बताना है ये क्वेश्चन आपका रांची में पूछा गया था स्टूडेंट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इंजन नेक्स्ट मैं आपको क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करूंगी स्टूडेंट्स ये भी आपकी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी गई है क्लासिफिकेशन में आपको कह रखा है स्टूडेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फोर वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट चूज आउट द ऑड वन क्लासिफिकेशन में आपको चार ऑप्शंस दे रखे होते हैं स्टूडेंट्स उनमें से आपको वन ऑड वर्ड या फिर ऑड नंबर चूज करना पड़ता है चार में से जो एक सबसे अलग दिखता है उस पर टिक करना पड़ता है ओके स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बाजरा, मस्टर्ड, राइस या फिर वीट, इनमें से आपको ऑड क्या लगता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए बाजरा खाने की चीज है, ऑप्शन नंबर बी मस्टर्ड खाने की चीज नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइस खाने की चीज है एंड ऑप्शन नंबर डी वीट भी खाने की चीज है। ये क्वेश्चन आपका हाजीपुर में पूछा गया था, तो ऑड होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मस्टर्ड। ओके, कई लोग मस्टर्ड को खाने में यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये सबसे अलग होती है इसलिए इसे ऑड माना गया है। ज़्यादातर मस्टर्ड से ऑयल निकाला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर टू, चिकन, स्नेक, स्वैन या फिर क्रोकोडाइल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चिकन इज ऑड वन। ये क्वेश्चन आपका गोरखपुर में पूछा गया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, कार, स्कूटर, हेलीकॉप्टर या फिर साइकिल। ऑप्शन नंबर डी साइकिल इज ऑड वन। ओके, ये क्वेश्चन आपका रांची में पूछा गया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, स्पैरो, स्वैन, पैरट, कोयल। ऑप्शन नंबर बी इज ऑड वन, स्वैम। ये क्वेश्चन आपका मुंबई में पूछा गया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो या फिर एक्सरे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एक्सरे इज ऑड वन। ये क्वेश्चन आपका चेन्नई में पूछा गया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉलर, येन, आउंस, फ्रैंक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आउंस इज ऑड वन। ये क्वेश्चन आपका बिलासपुर में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका, शॉवल, एक्स, सॉ, स्वॉर्ड। ऑप्शन नंबर ए शॉवल इज ऑड वन। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली में पूछा गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, कपबोर्ड, चेयर, पेपरवेट, सोफा। ये क्वेश्चन आपका रांची में पूछा गया स्टूडेंट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पेपरवेट इज ऑड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, स्विम, लिसन, क्लिम टू, सॉरी क्लाइम या फिर ऑप्शन नंबर डी रन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लिसन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी रीजनिंग के क्वेश्चंस जो आज मैंने अपनी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किए स्टूडेंट्स। ये सारे क्वेश्चंस आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे रीजनिंग में हो, एनालॉजी हो, क्लासिफिकेशन हो या फिर जनरल नॉलेज का सेक्शन हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स आपके स्टूडेंट्स सिर्फ एक एक मार्क्स के ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। लेकिन आपको हर क्वेश्चंस कवर करके चलना पड़ता है, तभी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर हो पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करोगे एंड वन वन मार्क्स के हैं तो छोड़ दोगे। नहीं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर क्वेश्चन हर टॉपिक से सिर्फ एक नंबर का आता है और उस एक नंबर को आपको
क्लियर करना पड़ता है हर टॉपिक को। ओके स्टूडेंट्स, आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब पर मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए स्टूडेंट्स, शेयर कीजिए ताकि बाकी फ्रेंड्स को भी, बाकी स्टूडेंट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी और यूज़फुल वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराती रहूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।